हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और मेरे चैनल अपना तरीका पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है और इनके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, मतलब कि किसी भी चीज़ के व्यापार को अपने देश तक सीमित ना रखते हुए और देशों तक भी बढ़ाना, जिससे हमारे देश के अंदर जिन चीज़ों का उत्पादन होता है उनका यूज़ दूसरे देश कर पाए और जिन चीज़ों का उत्पादन दूसरे देश में होता है उनका यूज़ अपने कर पाए। अब हम ग्लोबलाइजेशन से हुए 5 मेन फ़ायदों के बारे में जानते हैं। तो ये है वो 5 मेन फ़ायदे जो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे होने के साथ साथ नुकसान भी बहुत है, तो उनमें से कुछ नुकसान आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब हम वेस्टर्नाइजेशन के बारे में जानते हैं। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है कि हमारे देश की परंपरा या कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो कपड़ों की बात हो या चाहे वो डांस की बात हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम आजकल हमारे देश के खान पान को भूल के पिज्ज़ा बर्गर खाने लग गए हैं और हिंदी जो कि हमारे देश की मातृभाषा है उसको ना बोल के हम इंग्लिश बोलने लग गए हैं और हमारे देश की शान पजामा कुर्ता को पहनने के बजाय हम आजकल जींस टी शर्ट पहनते हैं। वेस्टर्नाइजेशन का मेन मतलब ये ही है। ये वेस्टर्नाइजेशन के 5 मेन फ़ायदे हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की तरह वेस्टर्नाइजेशन के भी फायदों के साथ साथ नुकसान भी है और उनमें से कुछ नुकसान आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना तरीका को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।